तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप शेयर टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले अपोलो टायर्स लिमिटेड। इस स्टॉक के अंदर आज के दिन 20 रुपए की गिरावट देखने को मिल रही है और ये स्टॉक 3.5% के करीबन की गिरावट दिखाता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक करंट लेवल पर 530 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पर ट्रेड करके रखना चाहिए। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो इस स्टॉक में नीचे का सपोर्ट लेवल है 510 रुपीज पर। 510 रुपीज पर इस पॉइंट पर देखें तो स्टॉक थोड़े टाइम के लिए कंसोलिडेट किया था, यानी यहां पर स्टॉक के अंदर एक सपोर्ट लेवल बन चुका था और यहां से स्टॉक के अंदर एक तेजी का मोमेंटम देखने को मिला, जहां पर स्टॉक में एक वन वे तेजी आती हुई नजर आई। स्टॉक ने एक हाई बनाया था 550 रुपीज का। ऊपरी लेवल पर स्टॉक के अंदर फिर से एक डाउन फॉल्स देखने को मिला और स्टॉक ने नीचे में 516 रुपीज, जहां पर अभी स्टॉक करंट लेवल पर है, इस प्राइस को स्टॉक ने रिटेस्ट किया था और यहां से फिर से स्टॉक के अंदर एक रिवर्सल ट्रेंड बनता हुआ नजर आया। अभी देखें तो स्टॉक करंट यानी जो सपोर्ट लेवल है 517 रुपीज, वहां से तो स्टॉक काफी ऊपर ट्रेड कर रहेगा और स्टॉक में पीछे के 3 दिनों से अच्छी तेजी भी देखने को मिली, पर आज के दिन स्टॉक के अंदर ऊपरी लेवल पर एक मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। तो अगर आप इस स्टॉक के अंदर एक पोजीशन बनाना चाहते हैं तो जो स्टॉक का पिछला सपोर्ट लेवल है, जहां से स्टॉक के अंदर एक रिवर्सल ट्रेंड बनता हुआ नजर आया, इस पॉइंट पर यहीं पर स्टॉप लॉस रखें अराउंड 517 रुपीज पर और ऊपर के टारगेट अराउंड 555 रुपीज, सेकेंड टारगेट 600 रुपीज। ये दो बड़े टारगेट के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं, क्योंकि इस स्टॉक के अंदर जब तेजी आती है तो लगातार ऊपरी लेवल पर काफी अच्छी रैली देखने को मिलती है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाते हैं तो वहां पर एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा, क्योंकि स्टॉक में पीछे के कई ट्रेडिंग डे से देखें तो स्टॉक में एक बड़ी वॉल्यूम के साथ स्टॉक के अंदर लिक्विडिटी देखने को मिल रही है, जिसका सीधा संकेत है कि स्टॉक में एक बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है ऊपरी लेवल पर। यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।